Let me give you a question, then I explain that again. Okay, अगर ये आ गया समझ में, इसको बताओ कैसे करोगे. सपोज मुझे 1 अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू एक फॉर्मूला है. वेयर इज द फॉर्मूला अप्लाइड? व्हाट? फाइंड द नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल. अब आर वन है 0.2 ओम, ये है 0.3 ओम. ठीक है. सो आपको आर के मेजरमेंट में एरर निकालना, मतलब आपको आर निकालना विद एरर. इसमें एरर दिया होगा, R1 ऐसे दिया होगा 0.2 प्लस माइनस 0.01 ओम, एंड R2 दिया होगा 0.3 प्लस माइनस 0.02 ओम. दिस इज गिवन. क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज एरर in the measurement of R. इसको दोबारा एक्सप्लेन करने को कह रहे थे ना. यू आर डूइंग दिस ना, यू ऑल आर डूइंग दिस. ये फोकसिंग हियर बिकॉज देयर वाज अ डाउट, सो आई एम जस्ट सॉल्विंग इट हियर लिटिल मोर एलेबोरेटिव वे. मे बी द चिल्ड्रन विल नोट इट डाउन.
कहां तक पहुंचे? हैव यू डन इट? कितनी बार करवाओगे भाई? हो तो गया, वो तो हो गया, कर दिया। आई हैव ऑलरेडी डन इट, काइंडली नोट इट डाउन। सो वेयर हैव यू गॉट स्टक? आर यू गेटिंग सम प्रॉब्लम? यू आर डूइंग इट। कैसे किया? यू कैन टेक आर एज आर वन आर टू अपॉन formalize this. So I said you, if you know the formula, you can apply the propagation of error concept together as a whole, and let us see what you get. So is it a division? As a whole it's a division. In numerator, multiplication. In denominator, addition. Okay, so first you calculate R. So very simple, you calculate R. Put the values of R1, R2 and R1 plus R2. You can get R. So how much is that? R1 kitna diya hai? 2 ohm. So 2 into 3 upon... Achha? 0.2 diya tha. Okay. So 0.2, 0.3, 0.2, 0.3. How much? 0.06 upon 0.5. सो कितना आ गया ये? 0.012 ओम आर आ गया। नाउ टेल मी हाउ टू फाइंड द एरर इन मेजरमेंट ऑफ आर। इफ आई राइट दिस एज डेल्टा आर बाय आर, सो आई नीड टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ डिवीजन। So, if it was A by B, so what you write? Delta A plus delta B by B. ये तो लिखते थे। So, इस पूरे को A मान लूँ, इस पूरे को B मान लूँ, तो क्या लिखूँगा? पहले के लिए delta ठीक है, इज इट ओके? ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। सो आई नीड टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो। सो व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन वाला? डेल्टा आर वन अपॉन आर वन प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू डिवाइडेड बाय आर वन आर टू प्लस डेल्टा आर वन प्लस है प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। यू गॉट डेल्टा आर अपॉन आर। यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड डेल्टा आर। आर ऑलरेडी यू हैव कैलकुलेटेड, सो डेल्टा आर कैन बी कैलकुलेटेड। You want to find the percentage error, then delta by R multiply by 100. Okay? Is it okay? I've given one more problem here. Can you do it? Zara upar jaiye sir. Thoda sa aur upar. Nahi, upar. Pants niche, haan ye. ये तो कर लोगे आप। सी की वैल्यू ए और बी दिख रहा है ना। सो ए इज 5 प्लस 0.05 एंड बी इज 2 प्लस माइनस 0.01 एंड सी इज 3 प्लस माइनस 0.02। Calculate the percentage error in the measurement of y
ए इज 5 प्लस माइनस 0.05, बी इज 2 प्लस माइनस 0.01 एंड सी इज 3 प्लस माइनस 0.02. कैलकुलेट इट. फॉर्मूला निकालो. पहले फॉर्मूला क्या आ गया, डेल्टा वाई बाय वाई 2 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस 3 डेल्टा बी बाय बी प्लस 5 डेल्टा सी बाय सी. ओके, अभी मत करो 100 से मल्टीप्लाई, पहले आप वैल्यूज डालो. डेल्टा क्या है दिया हुआ, ये ठीक है. डेल्टा बी क्या है, एग्जैक्टली जो प्लस माइनस करके दिया होता वही डेल्टा है, डेल्टा बी डेल्टा सी. मल्टीप्लाई बाय 100 6.8 हाँ जी. प्लस करेंगे चाहे एडिशन में या डिवीजन में, प्लस करते रहेंगे सर. उसके अंदर का देखेंगे कि पहले पावर लगानी है. एक्जेक्टली इसमें भी ऐसे करेंगे. हाँ उसमें भी करेंगे, उसमें ही कर देंगे. हाँ तो वो डेल्टा आर वन अपॉन आर वन प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू हो जाएगा, प्लस एक टर्म हो जाएगा वो. आप ये कह रहे हो ना कि अगर मैं इसको ऐसे करूं, बच्चों एक चीज देख लो, एक छोटी सी चीज है बट जस्ट सी इट. अगर हम इसे ऐसे कर ले, इसको न्यूमरेटर को अगर मैं पहले कर लू डेल्टा आर वन आर टू, ये तब होता अगर मैं आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये है ठीक है. अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं डेल्टा आर वन अपॉन आर वन प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर टू, तो ये इसका हो गया, न्यूमेटर का हो गया
ठीक है, फिर मैं लिखूंगा प्लस डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। ठीक है, इसमें और इसमें एक फर्क है, फर्क यह है कि आपने इसमें न्यूमरेटर को अलग से करके डिनोमिनेटर आर वन प्लस आर टू था, इसको अलग से कर लिया आपने। ठीक है, हमने यहां पर क्या किया कि न्यूमरेटर को डेल्टा आर वन आर टू लेकर आर वन आर टू से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो डेल्टा ए अपॉन ए का इसमें डाला। जब कभी एग्जाम में आता है इस तरह से, तो यू विल फाइंड दैट कि जब कभी किसी एरर को तुम किसी चीज से डिवाइड करोगे तो वो और एरर कम हो जाता है। जैसे मान लो हमारे पास एरर 0.01, उसको आपने 5 से डिवाइड कर दिया, इट विल बी 0.005। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू दिस। मेजरमेंट करते समय जितना कम से कम एरर आप निकालो उतना अच्छा है। हाउएवर, मैं इसे गलत नहीं कर रहा हूं, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। आपने न्यूमरेटर का पहले कर लिया, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, हमने क्या किया अभी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब था। ठीक है, तो हमने ए स्क्वायर का अलग से कर लिया, बी क्यूब का अलग से कर लिया, सी फाइव का अलग से करके सारा ऐड कर दिया। ठीक है, कितना आया बताओ, जरा जल्दी बताओ। We can write 6.833 or 6.8 or 6.83. What is the least, what is the maximum value of significant figure in the given data? इसमें कितना significant figure है? इसमें 1. ठीक है, we have got actually, but if I add it, अलग अलग तो देख लिया आपने, इसको जरा add करके देखो, या तो 5.02 होगा, 05 होगा, या तो 5 माइनस 0.05 होगा। तो आपको अब बताना है कितना सिग्निफिकेंट फिगर हुआ। तो इसको आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अलाउड है आपके लिए। ठीक है, इसी समय वी विल बी इन वी आर इन अ बेटर पोजीशन टू सी द सिग्निफिकेंट फिगर एज वेल। पेज निकालना है, हाँ जी बेटा, कुछ रूल्स ऐसे हैं इसके जो मैं तो पूरी कोशिश करूंगा अपनी समझाने की, लेकिन उसके बाद भी आपके सवाल कुछ इस तरह से हो सकते हैं, अच्छा सर ऐसे कैसे हो सकता है, बट आई एम सॉरी, कुछ सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स ऐसे होते हैं जिसका जवाब देना थोड़ा डिफिकल्ट होगा हमारे लिए या आपके टीचर्स के लिए। सॉरी, Do you know the meaning of significant figure first? Do you know the meaning of significant figure? Then probably I might be in a better position to explain you. Ki infinite, finite. What is the meaning? Sir, upar aur upar, ha? Ja sakta hai? Nahin. Theek hai, it's a significant figure here. I have not written incidentally the definition of significant figure. It's all rules, but before coming to the rules, let's have a little debate on what is significant figure. So if I believe what you said, then when I write 5.00, when I write 5.00 and I write 5, are they different or the same? 5.00 is same as the 5 or the different as compared to 5? Is more precise? यही तो मुझे आज तक समझ नहीं आया कि 5.00 मोर प्रिसाइज कैसे हुआ एज कंपेयर टू 5। अभी क्या दिया, अभी की बात बताओ, 5.00 ही दिया ना, तो अभी तो आपको जो 5.00 दिया वो 5 एज गुड एज 5 है। हाँ, अगर ये बात आपकी तब सही होती, अगर 5.01 होता या 5.02 होता तो मैं बात मान लेता,
एक तो आपने 5.00 लिखा है जो कि एज गुड एज, अब तक तो आप 11th के पहले थे और इसलिए आप यही सीखते थे कि 5.00 को 5 ही लेना है, अचानक से इतना बदलाव आ गया कि 5.00 में आप ये लॉजिक लगाते हो 5.00 इज मोर एक्यूरेट देन 5, वेयर इज दैट एक्यूरेसी? बोले सर इंस्ट्रूमेंट यूज तो किया था लेकिन सॉरी सर इंस्ट्रूमेंट ने बताया नहीं डेसिमल के बाद, इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है नहीं आज नहीं बताया कल बताएगा, 5.00 लिख दिया। एक्चुअली देयर कुड बी, आई एम टेलिंग यू देयर शुड बी डिबेट। तो आप 00 लिख किस ले रहे हो? एक रीजन तो ये हुआ, नहीं इस रीजन को पूरी तरह से डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूं मैं, एक रीजन तो ये हो गया कि इस बच्ची को पता है, स्मार्ट है ये, कि हमें इस एपरेटस से आज तो मिल गया 5.00, हो सकता है कल हमें 5.01 मिले, तो ये फ्यूचर की सोच के चल रही है एकदम IIT-JEE की तरफ। ठीक है चलो ये तो हो गया एक चीज, और एक हो सकता है इस लॉजिक पे भी हो। अच्छा तू इतना फालतू में सोच सोच के लिखे, अच्छा परसों जो मिलेगा वो, अगर परसों मान लो 5.012 मिल गया तो क्या करोगे? तो आज क्या लिखना चाहिए तुम्हें? 5.000 लिखना चाहिए। ठीक है तो आई थिंक कुछ और लॉजिक ले आते हैं, कुछ और सपोर्टिंग लॉजिक ले आते हैं। 5.00 में कम एरर होगा, ये बात कैसे समझू मैं? तो एरर कैसे कम ज्यादा हुआ? 5 तो एज आई सेड न्यूमेरिकली 5 इज एज गुड एज 5.00। अच्छा आप लोग सब लोग एक काम करो, सब लोग कॉपी पे अपने 5.18 को 5 में ऐड करके दिखाओ, 18 को 5 से ऐड करो, 10.1 जल्दी ऐसे आ गया, 5.18 को आपने 5 से ऐड किया, 10.1 तो ये जो 5 था आपने वो 5 में क्यों ऐड किया? 5.00 ओके, तो आपको लगता नहीं कि आपने इसलिए यार, क्योंकि आप इसको 5.00 लेके ज्यादा प्रेस। अच्छा मान लो 5.18 में 5.02 ऐड करने को बोलता, लिखो कैसे ऐड करोगे? ठीक है 5.18 में आप 0.006 ऐड करो, करो करो लिख के करो, 5.186 So you know how to actually respect the decimal values, decimal numbers when you are adding and subtracting. So see how you are able to do it. So जब हम add करते हैं किसी भी चीज को, suppose करो हमने add करना है, तो हमने 5 को add किया और 5.18 में add किया, तो 18 को ऐसे ही copy कर लिया। ठीक है क्योंकि 18 ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऐड मैंने ऐड करने को कहा आपसे, तो आप 18 को कॉपी क्यों कर रहे? ऐड करो ना, तो लगाओ ना, किसने मना किया है? बोले सर ठीक है जब आप इतना जोर दे रहे हो तो आज मैं लगा ही देती हूं, कई हफ्ते का इकट्ठे लगा देती हूं, और बताओ सर इसके आगे क्या ऐड करना है? हो सकता है मैं ये लॉजिक भी ले लूं, लेकिन I think it's a very significant logic. Don't you feel it's a highly significant logic that why do you put 2 zeros only? There is not, it's not a useless process. I'm not having all fun here. There is a logic. And therefore, please, my dear friends, call these digits also significant. Ek logic ye bhi ho sakta hai. ठीक है, why do you call some figures in spite of they having almost no role play, but just as if it's a burden, we still call them significant, high respect. Okay, maybe they have got some significance in calculations. तो ये दो लॉजिक तो हो गए, एक इनकी तरफ से आया, एक मेरी तरफ से आया। हो सकता है कभी कभी साइंटिफिकली कुछ चीजें इनसिग्निफिकेंट हमें मतलब जबरदस्ती डिक्लेयर करना पड़ता है साइंटिफिकली, क्योंकि अगर उनको हम सिग्निफिकेंट कर दूंगा तो आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाएगी फिर, इट्स अ बर्डन फॉर आवर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल 3×10⁸ इज अ नंबर एंड वी ऑल नो दैट नंबर रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट। अब आई आस्क यू हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? अब बोले सर एक मिनट रुक जाओ, सर रुको तो सही। नहीं नहीं आपने क्या किया, 3 के आगे 8 जीरो लगाया फिर काउंट कर रहे हो। ठीक है तो मे बी ये भी एक लॉजिक हो सकता है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, एंड देयर इज अ रूल दैट कि कोई भी चीज जो आउट ऑफ मेजरमेंट आती है उसमें सारे फिगर सिग्निफिकेंट होते हैं, बट देयर 9 सिग्निफिकेंट फिगर हियर।
एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, 9 digit तक मेजर करना किसी डिवाइस से इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. 9 digit तक एब्सोल्यूट मेजरमेंट एंड स्टिल देन क्लेमिंग टू बी ऑलवेज एररलेस और समथिंग, इट्स नॉट गोइंग टू बी फिजिकली पॉसिबल. देन आप कहोगे सर ये फिगर आया कहाँ से, 3 मिनट 1 मिनट किसी ने तो निकाला होगा. तो फोकॉल्ट ने जब निकाला था तो हो सकता है ये जो वैल्यू निकाली थी ये एक्चुअली इस तरह से नहीं आई थी, हो सकता है 2.98 कुछ नम डिजिट आया था, फिर उसको उन्होंने कन्वर्ट किया होगा. तो फिर इस डिस्प्यूट को कैसे खत्म किया, एक रूल बना के कि 10 to the power जितने भी होंगे उसको इनसिग्निफिकेंट मान लेते हैं. फिर तो एक प्रॉब्लम और हो सकती है, 2.98 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3, ठीक है, 298 में 298, 3, ठीक है, 200 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है. अब एक और रूल आ गया, हाँ तो अगर 200 में 3 है तो 2 × 10^2 में 1 है, ये क्या हो रहा है, पक्का 1 होगा. तो मैं आपको सलाह देता हूं कि 200 को एक्चुअली 2 × 10^2 किसने कहा लिखने को, मैंने तो कहा नहीं, तो आप पता नहीं कितने सिखा रखा. 200 को 2 × 10^2 मैंने तो कभी बोला नहीं. अच्छा 200 को ऐसे क्यों नहीं लिखते 2.00 × 10^2, अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं. तो दैट मीन्स ये जो दिमाग में चल रहा है आपके खुराफात कि किसी नंबर को हम 10 to the power में कन्वर्ट करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर बदल जाएगा, ये एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं. वो बदलने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा बस. किसी को एक्सप्रेस करना है आपकी मर्जी है, करो 10 to the power में, जैसे मर्जी वैसे करो. किसी 10 to the power वाले नंबर को एक्सप्रेस करना चाहो तो आप इसमें कर सकते हो, प्रोवाइडेड वो नंबर इतना बड़ा ना हो, एवोगैड्रो नंबर जैसा या फिर स्पीड ऑफ लाइट जैसा.